नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक और महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे सोआ खाने का फ़ायदे के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सोआ एक तरह का हर्ब है जो खाने को टेस्टी बनाने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। सबसे पहले दोस्तों आपको बता देते हैं कि सोआ होता क्या है। दोस्तों, सोआ के पत्ते दिखने में धनिया के हरे पत्ते की तरह ही दिखने लगते हैं और धनिया के हरे पत्तों की तरह ही सोआ के पत्तों का इस्तेमाल भी खाने को गार्निश करने के लिए ही लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं सोआ खाने के कुछ बेहतरीन फ़ायदों के बारे में। तो दोस्तों, इसका पहला फ़ायदा आता है हड्डियों के लिए। यह कैल्शियम का काफ़ी बढ़िया सोर्स होता है। सोआ के सेवन से हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद मिलती है। जो लोग रोज़ाना सोआ को खाते हैं उन्हें आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों में होने वाली बीमारी है जो शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी की वजह से होती है। इसलिए सोआ खाइए और हड्डियों को मजबूत बनाइए। दोस्तों, इसका दूसरा फ़ायदा होता है पेट के लिए। सोआ पाचन क्रिया को दुरुस्त बनाता है। इसमें एक तेल पाया जाता है जो पित्त और पाचक रस को एक्टिव बनाता है, जिससे कब्ज, गैस आदि को दूर करने में मदद मिलती है। इससे पेट भी आसानी से साफ हो जाता है और मल त्याग में भी आसानी होती है। दोस्तों, इसका अगला फ़ायदा होता है मेटाबॉलिज्म रेट को तेज बनाने में। इसके बीज से निकलने वाले तेल में एंटीबैक्टीरियल, पाचक और वात हर वाले गुण पाए जाते हैं। इसमें राइबोफ्लेविन, बीटा कैरोटीन, विटामिन ए, विटामिन सी और फोलिक एसिड पाए जाते हैं, जिससे बॉडी का मेटाबॉलिज्म तेज बनता है। दोस्तों, इसका अगला फ़ायदा आता है हिचकी रोकने में। अगर एलर्जी, एक्टिविटी या नर्वस सिस्टम के खराब होने पर हिचकी आने की समस्या है तो इसे दूर करने के लिए एक चम्मच सोआ पाउडर को पानी में मिलाकर पीना चाहिए। इसे हिचकी आने की समस्या को रोकने में मदद मिलती है। दोस्तों, इसका अगला फ़ायदा होता है नींद ना आने की समस्या से बचाने में। सोआ में लिमोनेन और यूजिनोल तेल और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बढ़िया मात्रा में पाए जाते हैं, जो नींद आने के हार्मोन को बढ़ावा देते हैं, जिससे आपको अच्छी नींद आती है। इसलिए जिन लोगों को नींद न आने की बीमारी यानी कि अनिद्रा की शिकायत है, उन्हें इसका सेवन करना चाहिए। दोस्तों, इसका अगला फ़ायदा होता है कैंसर से बचाव में। सोआ में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर को हानिकारक फ्री रेडिकल सेल्स से बचने में मदद करते हैं। इन फ्री रेडिकल सेल्स की वजह से ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी होती है। ऐसे में सोआ का सेवन करने से कैंसर से बचने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। दोस्तों, इसका अगला फ़ायदा आता है हार्ट यानी कि दिल के लिए। इसमें कैलोरी कम मात्रा में होती है। सोआ कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। इसमें फाइबर, नियासिन और विभिन्न प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करते हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम करने की वजह से यह दिल के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। इसमें पोटेशियम, मैग्नीज, कॉपर जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट रेट को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। इसलिए यह दिल के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। दोस्तों, इसका अगला फ़ायदा होता है डायबिटीज़ में। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए सोआ जरूरी है। इसकी पत्तियां और इसके बीजों में लिमोटिन और यूजिनोल होता है, जो बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरी तत्व होते हैं। यह तेल बॉडी में शुगर लेवल को कम करने और इंसुलिन लेवल को बनाए रखने का काम करता है। दोस्तों, इसका अगला फ़ायदा होता है गठिया की बीमारी में। गठिया की बीमारी से राहत पाने के लिए सोआ एक औषधि की तरह काम करता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो गठिया की बीमारी में होने वाली सूजन, जोड़ों के दर्द आदि को कम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। दोस्तों, इसका अगला फ़ायदा होता है इन्फेक्शन से बचाने में। सोआ के बीजों और पत्तियों में एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। यह दांतों में कीड़ा लगने से आपको बचाता है और मुंह के इन्फेक्शन से आपको छुटकारा दिलाता है। शरीर में फंगल इन्फेक्शन की वजह से पेचिश होने की समस्या हो जाती है। इसे दूर करने के लिए सोआ की पत्तियों और बीजों का प्रयोग करना सही रहता है। दोस्तों, इसका अगला फ़ायदा आता है जख्मों को भरने में। इसमें एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह के इन्फेक्शन से लड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। सोआ के बीज जलने या घाव लगने से होने वाले इन्फेक्शन को रोकने में भी काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। यह घाव को जल्दी भरने का काम करता है। तो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार सोआ कितना फ़ायदेमंद होता है, आपकी हेल्थ के लिहाज से कितना ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक होता है।
तो दोस्तों ये थी जानकारी सोआ के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।